लर्निंग सेंटर जिसमें आज हम छोटे बच्चों को सिखाएंगे खासतौर से क्लास फर्स्ट के बच्चों को कि डिवाइड करना किस प्रकार सीख सकते हैं। सिंपल से हम फॉर्मूले से बच्चे कैसे आसानी से सीख सकते हैं वो हम छोटी सी ट्रिक लेकर आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपना जब भी नेक्स्ट वीडियो डालें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार हम बच्चों को डिवाइड करना सिंपल मेथड से सिखा सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे? मैथ्स से डिवाइड। सबसे पहले हम जानेंगे डिवाइड होता क्या है। डिवाइड क्या होता है? जब हम किसी चीज को बराबर भागों में बांटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिवाइड कहते हैं। चलिए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक लड़का है, ये क्या है? एक लड़का है, इसका नाम क्या है? राहुल। और इसके पास कितनी बॉल है बच्चों? काम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके पास कितनी बॉल है? 6 बॉल है। तो 6 बॉल है और इसके हैं 3 फ्रेंड। कौन कौन से फ्रेंड है? रोहित, मोहित और रवि। इसके पास 3 फ्रेंड है। तो ये क्या करेगा? अपनी ये जो बॉल है उसके पास 6 बॉल है, वो एक बॉल ये बॉल को अपने फ्रेंड्स को देगा। तो जैसे इसमें ये एक बॉल इसने दे दी रोहित को, एक बॉल दे दी किसको? रोहित को। एक बॉल दे दी मोहित को और एक बॉल दे दी रवि को। अब इसके पास कितनी बॉल बची? 3 बॉल बची। अब ये भी बॉल दे देगा। तो एक बार उस बॉल उसने और रोहित को दे दिया और एक बॉल उसने और मोहित को दे दिया और एक बॉल उसने और रवि को दे दिया। अब इसके पास कितनी बॉल बची? एक भी बॉल नहीं बची। लेकिन इसके पास जो 6 बॉल थी उसने अपने 3 फ्रेंड्स में बराबर बराबर दे दिया कि 2 बॉल उसने कितनी मोहित रोहित को कितनी बॉल दिया 1, 2 और मोहित को कितनी बॉल दिया 1, 2 रवि को कितनी बॉल दिया 1, 2 यानी उसने अपने 6 बॉल को अपने तीनों फ्रेंड में बराबर बराबर से बांट दिए। इसी को बराबर से जो बांटना होता है बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं? डिवाइड बोलते हैं। और इसको हिंदी में हम भाग भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? बराबर भागों में बांटने को हम क्या कहते हैं? डिवाइड सीख कर कहते हैं। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से सीखते हैं। बच्चों हम सबसे पहले जानेंगे कि डिवाइड की चिन्ह कौन सा होता है। तो ये कौन सा चिन्ह? प्लस का, माइनस का और ये रहा डिवाइड करके। इसी के मेथड से आज हम ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे और ये है मल्टीप्लाई का चिन्ह। तो ये आज हमने पहले दिया है, ये क्या है बच्चों? 6 लिखा है, डिवाइड का साइन है और फिर 2 है। इसको हमें कैसे करना है ये हमें समझना है। तो ये जो 2 है बच्चों इसको हम लेफ्ट साइड लिखा है लेकिन इसको हम राइट साइड ले आएंगे और इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। तो हम जानेंगे कि कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको टेबल आना बहुत जरूरी है। अगर टेबल नहीं आती है तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 की टेबल लिख लेंगे। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 and 2 10 20। हमें अगर 2 से करना है इसको हम केवल 2 के टेबल से ही डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं सब जगह हमें लेफ्ट में 2 दिख रहा है तो यानी हमें 2 की टेबल से डिवाइड करना है। तो हमें 2 की टेबल अगर नहीं आती तो हम पहले इसको लिख लेंगे। जब हम पहले लिख लेंगे तो ये अंदर क्या है बच्चों? 6 यानी 2 की टेबल हमें 6 तक पढ़नी है कि कब 6 कितनी नंबर्स में आएंगे। तो हम पढ़ेंगे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 यानी कितनी बार आए? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। और क्या हो जाएगा अगर 6 और 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, है ना? सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है फिर से अब ब्रैकेट के बाहर क्या होगा बच्चों? ब्रैकेट के बाहर जो लेफ्ट में लिखा है 2 तो 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? 8। तो अब हमें 2 की टेबल कहाँ तक पढ़नी है? 8 तक पढ़नी है। तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। तो हम देखेंगे कितनी बार में 8 आया? 1 2 3 4। कितनी बार आया? 4। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? 2 4 8। तो हम 8 और 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब ये क्या है बच्चों? ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? 10। तो हम
कि अब टू की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे कि जब तक 10 ना आ जाए। तो 2 अंडर 2, 2 टू द 4, 2 थ्री द 6, 2 फोर द 8, 2 फाइव द 10, कितनी बार में आया काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बार आ गया। तो ये क्या हो गया, 2 फाइव द 10। तो ये हो गया हमारा तो हमने समझ गया ना बच्चों कि जो चीजें लेफ्ट तरफ होती है उस टेबल से हमें राइट की तरफ जो होती है उसको हमें उतनी बार उस टेबल को बोलना पड़ता है। तो जैसे अगर यहाँ पर अगर 3 होती, अगर हम यहाँ पे 3 कर देते तो क्या होता, तो यानी हमें 3 की टेबल तब तक बोलनी है जब तक 6 ना आ जाए। तो जब हम 3 की बोलते हैं, 3 1 3, 3 2 6, यानी 1 2, दूसरी बार ही आ गया 6, तो क्या हो जाएगा, अगर 3 से करेंगे तो 3 लिखेंगे लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ और 6 अंदर, तो 3 1 3, 3 2 6। तो इसे चलिए हम बच्चों अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो चलो डिवाइड हम पिक्चर्स की हेल्प से सीखते हैं। तो ये क्या है, कौन है बच्चों, संगीता। संगीता के पास कितनी चॉकलेट्स है, 8 चॉकलेट्स है। और उसके कितनी फ्रेंड्स है, मीना, रीना, पूजा, पिंकी, यानी उसके पास 4 फ्रेंड्स है और उसके पास 8 चॉकलेट है। अब वो कैसे बराबर बराबर सबको दे, इसकी सबके पास, जैसे अगर एक के पास 1 चॉकलेट है तो दूसरी के पास भी 1 हो, तो कैसे वो बराबर बराबर से दे। तो यानी उसके पास 8 चॉकलेट है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। संगीता के पास कितनी चॉकलेट है बच्चों, 8 चॉकलेट है, और उसे अपने सहेलियों को बराबर बराबर देना है। तो उसने 1 चॉकलेट दे दिया मीना को, एक और चॉकलेट दे दिया किसको, रीना को, एक और चॉकलेट दे दिया किसको, पूजा को, एक और चॉकलेट दे दिया किसको, पिंकी को। अब इसके पास कितने चॉकलेट बचे, 4 चॉकलेट और बचे हैं, तो यानी, और उसके पास फ्रेंड्स कितनी है, वो भी 4 है, यानी वो एक एक चॉकलेट और दे सकती है। तो उसने एक और चॉकलेट दे दिया मीना को, एक और चॉकलेट दे दिया रीना को, एक और चॉकलेट दे दिया पूजा को, और एक और चॉकलेट दे दिया पिंकी को। तब हम काउंट करेंगे इनके पास कितने कितने चॉकलेट हो गए। तो इनके पास 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, यानी इन सबो जो इसके 4 फ्रेंड है सबके पास 2-2 चॉकलेट्स हो गए। तो यानी उसने चारों फ्रेंड में 2-2 चॉकलेट बांट दी, कितने फ्रेंड में, 4 फ्रेंड में। तो जब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, इस तरीके से मैम ने क्या क्या था, लेफ्ट को क्या करेंगे, राइट में लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर 8 लिखेंगे। तो 8, 2, 2, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, तो यानी 4 यहाँ पे भी आया, कितनी फ्रेंड में उसने अपनी चॉकलेट बांटी थी, 4 फ्रेंड में, और यहाँ पे भी आया गया 2, 4, 8। इसी प्रकार आप अपने बच्चों को घर में पिक्चरों के हेल्प से सबसे पहले सिखाइए कि बच्चे किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार अपनी चीज़ों को बराबर बराबर बांट सकते हैं। जैसे कि बच्चों को घर में बहुत सारे उनके पास टॉयज होंगे, तो उनके हेल्प से आप उन्हें सिखाएं कि अगर ढेर सारे खिलौने हैं, अगर हमें 3 लोगों में, 4 लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं तो कैसे हम बांट सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो आप पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।